हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज 7 तारीख है, आज 7 अगस्त हो चुके हैं और अभी दिन के बज रहे हैं 8। तो अभी हम आ चुके हैं नाश्ते की दुकान पे। आज धूप काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये रही नाश्ते की दुकान। बहुत गर्मी है ना, नहीं दिखता है इसलिए हफ्ता में एक दिन रह सकता है। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। चलिए फिर इसे खाते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और आज जो ट्रैवर्सिंग का काम है वो शुरू होगा, तो हम जाने वाले ट्रैवर्सिंग के लिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम ब्रिज के साइड ही हैं और यहाँ पर ट्रैवर्सिंग काम चल रहा है अभी, और काफ़ी धूप है यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत तेज़ धूप है। वो सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अभी मैं इस टाइम हम ब्रिज के नीचे हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है। आज बादल भी नहीं, पूरा मौसम साफ है। आप देख रहे हैं आसमान एकदम क्लियर है, इसकी वजह से धूप बहुत तेज पड़ रही है यहाँ पे। पूरा हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। तो अभी इस टाइम हम VIP चौक पर ही हैं और अभी होटल के साइड पर जा रहे हैं उधर सर्वे करने। ये रहा गोला का स्टॉल। लेवल में करो, लेवल में। तो अभी काफ़ी धूप है यहाँ पर, तो हम ऐसे बैठे हुए हैं रेलिंग पर ही। क्या हो गया? तो वो उधर जाना सब लंच करने। मेरे होते हुए नहीं, मतलब वो होगा ही नहीं, होगा ट्रैवल में कम से कम 3 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और धूप अभी नहीं कम हुई है यहाँ पर, धूप काफी तेज है और उधर से बादल आ रहा, हो सकता है शाम को बारिश हो यहाँ पर। दिन में तो हुए नहीं, शाम को के क्या फायदा। 15 दिन लगेगा, लगाओ TS। तो अब यहाँ पे बादल लगने शुरू हो चुके हैं और हो सकता है रात में यहाँ पर बारिश हो। ये रही एयरफोर्स की बाउंड्री। तो अभी हम एयरपोर्ट साइड पे आए हुए हैं और मेरे सामने आप सनसेट देख रहे हैं यहाँ पे। फाइनली सनसेट हो रहा है यहाँ पर और सूरज कुछ टाइम यहाँ पे डूब जाएगा।
और फिर यहाँ धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा एज यूजल, तो सब लोग जानते हैं। और मेरे सामने बोली एयरपोर्ट की बाउंड्री, उधर वो सारी बोली दिख रही है आपको, एयरपोर्ट की बाउंड्री है सब। तुम फाइनली बहुत दिनों बाद आसाम का सनसेट देखने को मिला। तो फाइनली सनसेट हो चुका है। फिर चले यहाँ से, हम चलते हैं। कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, भक्त यहाँ कावड़ लेकर चल रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। बाबा के भक्तों में कितनी मतलब आस्था है कि कई कई सौ किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं कावड़ लेकर। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? पता नहीं। घर नहीं है आपका? नहीं है। ऐसे ही रहते हैं? जोगी आदमी है, झोला उठा के चल लेंगे। चलिए, कम से कम भरोसे वाले तो नहीं है, जोगी यहाँ चलता है, भरोसे वाले नहीं चलते हैं। अच्छा, इसमें रखे क्या है? तो अभी यहाँ पर बारिश होने वाली है और लाइटिंग आप देख रहे हैं, बिजली बहुत तेज चमक रही है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से रूम। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे, अभी बज रहे हैं 10, तो हम जा रहे हैं खाना खाने। आज हम इस होटल में खाना नहीं खाएंगे, आज हम बेसिकली दूसरे होटल से खाना पैक करवाएंगे और फिर खाएंगे। तो अभी हम इस होटल पर जाने वाले हैं और यहाँ पर हम खाना पैक करवाएंगे आज। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। क्या बोलते हैं इसको? बाहुबली फुलके या फिर पानी पूरी। हाँ, ठंडा पानी। भाई एक आलू लेके आना भैया जी, छील के लेके आना है। दही भाई, रोटी रुक जा भाई, नहीं बनाना भाई। चटनी भाई चाट ले जाओ भाई, जगह भाई जल्दी। तो अभी हमारी पनीर बन रही है और फिर पनीर जब बन जाएगा फिर हम लेकर चलेंगे यहाँ से। तो फाइनली हम डिनर कर चुके हैं गाइस, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।